thank you आज हम बात करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स पर पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब वो होता है मतलब कि उन फंक्शंस का डेरिवेटिव जो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं मतलब उनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उन फंक्शन में वो एक से ज़्यादा होते हैं ठीक है थीके? जिस तरह के ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में हमें पता होता है कि वो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है यानी कि उसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक होता है यहाँ पर भी मैंने कहा है कि विद सिंगल वेरिएबल फंक्शंस द डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ़ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ए चेंज इन द इनडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये बना कि जो आर्डिनरी डरावेटिव होता है वो असल मेंटीनियस रेट ऑफ चेंज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में इनडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आता है एक खास इंस्टेंट पर उसी को हम आर्डिनरी डरावेटिव कहते हैं तो ये पार्शल डरावेटिव भी बिल्कुल उसी तरह होते है. लेकिन चूंकि ये उन फंक्शंस के डेरिवेटिव होते हैं जो कि हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसमें मौजूद होते हैं वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो चूंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उसमें से हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से अलग अलग चेंज जो होता है वो हम इसमें मालूम करते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम बाई वेरिएट फन्स की बात कर रहे हैं यानी कि उन फंक्शन की जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वहाँ पर फिर दो पार्शल डरावेटि हमारे पास होंगे जिस तरह के यहाँ पर है कि दिस रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सेपरेटली मतलब उसमें x अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y होंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में दोनों की वजह से हम अलग अलग चेंज को जो है वो देखते हैं ठीक है इसी वजह से पार्शल डरावेटिव इस केस में फिर हमारे पास दो होते हैं और जब दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो उतने ही हमारे पास पार्शल डेरावेटिवस आएंगे अब जिस तरह के यहाँ पर हम बाई वेरिएट फंक्शन ले रहे सपोज वो जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है मतलब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है वो जेड है तो ए पार्शल डिरावेट कैन बी पाउंड विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब जो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक्स और वाई तो इसके लिए हम दोनों अलग अलग चेंज देख सकते हैं जेड में कि एक्स की वजह से उसमें कितना चेंज आ रहा है और वाई की वजह से कितना चेंज आ रहा है तो इसी तरह उसके दो पार्शियल डरावेटिव इसमें बन जाते हैं ठीक है जबकि आर्डनरी में चूंकि एक ही इंडिपेंडेंट होता है तो उसमें हमारे पास एक ही डरावेटिव आता है uh, अब यहाँ पर बात क्या है द पार्शल डरावेटिव टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ डिनोटेड बाई Uh, उसकी जो नोटेशन हमारे पास होती है पार्शल डरावेटि विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि पार्शल जेड डिवाइड बाई पार्शल एक्स इसको रीड किया जाता है और इसकी जो दूसरी नोटेशन है आर एफ एक्स सब्सक्रिप्ट में हम इसके साथ छोटा सा एक्स लिख लेते हैं तो ये दोनों नोटेशन जो होती है वो हमारे पास पार्शल डरावेटि विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए है इसी तरह पार्शल डराइवेटिव टेकन विद रिस्पेक्ट टू वाई जो होगा तो उसकी नोटेशन भी हमारे पास हो जाएगी कि पार्शल जेड डिवाइड बाई पार्शल वाई या उसको हम एफ वाई से भी डिनोट कर सकते हैं जिस तरह आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ठीक है इसको पार्शल जेड बाई पार्शल वाई रीड किया जाता है और सिंपल uh, वर्ड्स में हम एफ एक्स और एफ़ वाई से इसको डिनोट करें तो यह बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है तो नॉर्मली मैं क्वेश्चन वगैरह में एफ़ uh, एक्स और एफ़ वाई ही यूज़ करूंगा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एफ एक्स का मतलब होगा पार्शल डरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ वाई का मतलब पार्शल डरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा ठीक है अब हमें पहले से पता है कि जो आर्डनेटी डेरिवेटिव वाई आप वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता था यानी कि बेसिक प्रिंसिपल रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से वो आपको याद होगा ऑर्डिनेटी डेरिवेटिव का जो नोटेशन उसकी होती थी वो एफ डेश आपस या इसको एफ़ प्राइम आपस का आ जाता है और वो बराबर होता था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ आप प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ आपस डिवाइड बाई डेल्टा एक्स ठीक है ये हमारे पास uh, उसकी नोटेशन थी अब जो जो हमारे पास या उसका फार्मूला था उससे हम क्वेश्चन करते थे अब जो पार्शल डिरावेटिवज़ होते हैं चूँकि ये दो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग होता है और विद रिस्पेक्ट टू वाई अलग होता है तो हम दोनों के लिए देखेंगे कि इस केस में ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो होगा पार्शल डरावेटि के केस में वो क्या बनेगा तो फंक्शन अगर जेड इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई है तो पार्शल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा एट पॉइंट एक्स वाई पर वो हमारे पास बराबर होता है एफ एक्स चूँकि इसकी नोटेशन एफ एक्स होती है वहाँ पर एफ डेश्स होता था तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इसमें भी होगा और एफ़ आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मा वाई माइनस एफ आप एक्स वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा इसमें ये चेंज आ रहा है ठीक है इसमें हम सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज देखेंगे वाई इसमें कांस्टेंट कंसिडर होता है ये मैं आपको क्वेश्चन में फिर शो भी करूंगा और पार्शल डरावेटिव आप जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई जो हो जाएगा तो फिर वो हम डिनोट करते हैं एफ वाई से और वो बराबर होगा यहाँ पर अभी आपको लेकर नजर आ जाएगा एफ़ वाई हमारे पास लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो होगा जिस तरह के एफ़ एक्स में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो एफ वाई में लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा फिर वहाँ पर एफ आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई तो यहाँ पर एफ आप एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा और माइनस एफ आप एक्स वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई ठीक है तो ये दो हमारे पास इसके लिए फार्मूले थे और उसके साथ ये भी कंडीशन के प्रोवाइडेड डेट लिमिट एग्जिस्ट अगर लिमिट एग्जिस्ट होता हो तो तभी हम ये डेरिवेटिव मालूम कर सकेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई ना तो नहीं मालूम कर सकेंगे तो इस वीडियो के लिए इतना ही आपने इनके फार्मूलों को देख लिया अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें इन्हीं फार्मूलों पर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं किसी फंक्शन का और विद रिस्पेक्ट टू तो वाई कैसे मालूम करते हैं ठीक है थीके? तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़